वेलकम टू जीरो से जीनियस तक। इस क्विज टेस्ट में आपसे पूछेंगे साइंस के 10 सवाल और उसके जवाब भी बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये बेस्ट साइंस क्विज नंबर 4 है। पहला सवाल, जो कि इस साल रेलवे एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, डेसिबल किसे मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? इसके लिए ऑप्शंस दिए गए हैं, आपको जवाब सोचने के लिए मिलेंगे 5 सेकंड का समय। ज्यादा समय चाहिए तो आप वीडियो को रोक सकते हैं। तो आंसर सोचने के लिए समय शुरू होते हैं अब। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वातावरण में ध्वनि को मापने के लिए डेसिबल का इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं की का खाली स्थान पे क्या आएगा? ऑप्शंस को रीड कीजिए और आंसर सोचिए। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, समान त्वरण होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, दो वेक्टर जिनका मान अलग है राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उनका परिणामी शून्य नहीं हो सकते, कभी भी नहीं। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, यदि किसी वस्तु का वेग दुगुना कर दिया जाए तो? ऑप्शंस को रीड कीजिए और आंसर सोचिए। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विकल्प 1 और 2 दोनों सही है। यदि वस्तु का वेग दुगुना कर दीजिएगा तो उसका मोमेंटम p = mv, तो उसका संवेग दो गुना हो जाता है और गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाती है। बहुत अच्छे सवाल है। क्वेश्चन नंबर 5, समुद्र की गहराई मापने वाले यंत्र का नाम बताएं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फैदोमीटर। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, ध्वनि की तीव्रता के मापक को क्या कहते हैं? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डेसिबल। क्वेश्चन नंबर 7, दोस्तों आपके फोन के इंटरफेस ऐसा दिख रहा है, आप देख रहे हैं जीरो से जीनियस तक। इसके जस्ट बगल में सब्सक्राइब बटन है। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो इस सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए। धन्यवाद। क्वेश्चन नंबर 7, जहाजों में समय मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण का नाम बताएं। जहाजों पर समय देखने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? ये सवाल आपसे पूछा गया। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, क्रोनोमीटर। जहाज के घड़ी का नाम है क्रोनोमीटर। क्वेश्चन नंबर 8, भूस्थिर उपग्रह का आवर्तकाल होता है? ये भी सवाल इस साल रेलवे एग्जाम में पूछे गए हैं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 24 घंटे। क्वेश्चन नंबर 9, क्यूसेक से क्या मापा जाता है? यह भी सवाल आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जल का बहाव। क्वेश्चन नंबर 10, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, न्यूटन। ओके, क्वेश्चन फॉर यू, बर्नौली प्रमेय आधारित है? यदि आपको जवाब पता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखे क्यू फॉर यू और इसका राइट आंसर कमेंट कीजिए।
वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिए, जो कर दिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ आई बटन पे क्लिक करके आप इसके पिछले एपिसोड नहीं देखे तो उसे जरूर देख लीजिए, क्योंकि वहाँ से डायरेक्ट एग्जाम में प्रश्न आ सकते हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे उस सभी में। और आपने सुबह के जो वीडियो 25-25 वाले सीरीज चलता है उसे नहीं फॉलो कर रहे हैं, नहीं देख रहे हैं, तो उसे जरूर देख लिया कीजिए, क्योंकि वे वीडियोज बहुत शानदार होते हैं, उनमें जान होता है, क्योंकि उस वीडियो के सवाल से आपके एग्जाम में डायरेक्ट प्रश्न पूछे जाते हैं। और हमारे वीडियो जो शेयर नहीं करते हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप शेयर कर दिया कीजिए, और जो दोस्त करते हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलता हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में, वंदे मातरम।